नाबालिग ने अपने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, बाड़ी की प्रमुख खबर। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना गत दिवस बाड़ी में उजागर हुई है, जिसके अंतर्गत एक बालिका ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपने विद्यालय के प्राचार्य को शिकायती पत्र दिया है। विद्यालय प्राचार्य ने उस पत्र को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी को प्रेषित कर कार्यवाही का अनुरोध किया था। बाल कल्याण समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया तथा बालिका की काउंसलिंग की, जिसके उपरांत बाल कल्याण समिति ने थाना अध्यक्ष बाड़ी को FIR दर्ज करने एवं कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नाबालिग ने अपने पत्र में कहा है कि उसका पिता उसके साथ गलत व्यवहार करता है, जब उसकी माँ रोकती है तो दोनों के साथ मारपीट करता है, अतः मेरे पिता से मेरी सुरक्षा की जाए तथा कड़ी कार्रवाई की जाए। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक छात्रा द्वारा अपने पिता पर अपने यौन शोषण का आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के प्रिंसिपल श्री हरिओम परमार जी को दिया। हरिओम परमार जी ने अपने पत्र क्रमांक से बाल कल्याण समिति धौलपुर के समक्ष उसका पत्र भेजा, जिसको बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेकर थाना अधिकारी बाड़ी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया, जिस पर थाना अधिकारी बाड़ी द्वारा पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। ये एक अच्छी पहल की है बालिका ने, और बालिका की मां ने घर से निकलकर घर में हो रहे अपने ऊपर यौन शोषण के बारे में समाज में बताया, और उसमें बाल कल्याण समिति मॉनिटरिंग कर रही है, और जो भी सक्षम मदद बालिका के लिए कर सकती है वो बाल कल्याण समिति करेगी और उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगी। 6 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या के उपरांत हुए उपद्रव के 5 आरोपी गिरफ्तार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पुलिस द्वारा 6 साल पुराने आगजनी के मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें शशिपाल पुत्र क्षमानंद उम्र 63 वर्ष, श्रीपति पुत्र क्षमानंद उम्र 53 वर्ष, सतीश पुत्र ओम प्रकाश नाई, कमल किशोर पुत्र राम नरेश राठौर, सतीश पुत्र रामदीन राठौर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि पूर्व में इसी केस में करीबन 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 31 जनवरी 2016 को मेघ सिंह उर्फ सौपा पुत्र गोपाल सिंह जाति कुशवा निवासी वार्ड नंबर 7 ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी पुत्री अंजलि उम्र करीबन 14 वर्ष घर से खेत पर दादी के लिए खाना लेकर गई थी। जब 1 बजे तक अंजलि खेत पर नहीं पहुंची, तब हमने तलाश किया तथा आस पड़ोस के खेतों में ढूंढा तो अंजलि मृत अवस्था में विदरिया के खेत में पड़ी मिली, जिसकी गर्दन में चोट के निशान थे, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। मेघ सिंह की तहरीर पर राजाखेड़ा पुलिस में मुकदमा नंबर 22/16 धारा 302 376 IPC 4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर जांच की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान उसमें 2 व्यक्तियों रामहरि पुत्र हरीशचंद जाति ठाकुर, दिनेश पुत्र हरीशचंद जाति ठाकुर निवासी राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया था। उसी दरमियान घटना के दिन उग्र प्रदर्शन कर रही भीड़ के अंदर से ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस चौकी पर रखे सरकारी वाहन जीप 2 मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई थी। पुलिस द्वारा आगजनी को लेकर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। राजाखेड़ा से बुध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पट्टे जारी करें DM, सरमथरा की प्रमुख खबर। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में आयोजित हुआ शिविर। शिविर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने किया पट्टों का वितरण। शिविर में 309 पट्टे हुए जारी। बरसात के समय में बाढ़ ग्रसित समस्या को ध्यान में रखते हुए आवासीय पट्टे जारी करने के प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की प्राथमिकता एवं मौके पर लोगों की समस्याओं का निराकरण के दिए निर्देश। शिविर के दौरान समस्त विभाग के अधिकारी गणों ने काउंटर लगाकर लोगों की समस्याओं, कदीमी रास्ते, विभिन्न प्रकार की पेंशन सहित अन्य समस्याओं का किया मौके पर निस्तारण। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी सरमथरा मनीष कुमार जाटव, DFO तहसीलदार राजकुमार, बाड़ी विकास अधिकारी रामजीत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन, ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वितरण थोड़ा लेट करेंगे,
इस बार सबको समझाइश करके प्रोत्साहित करके और उसके बाद ये स्वयं के हित में अब परफॉर्मेंस बढ़े तो वो बढ़ना आप लोगों के उस पर निर्भर है। ये हमारी नर्स मैडम है, वो अमीरा क्या नाम है, नजमा जी, सीधा फोन करते हैं, ये नजमा जी का फोन आता है। IFWJ पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के सबसे बड़े पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी ने आज संगठन की गतिविधियों को तेज करने तथा सुचारू संचालन के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिनमें धौलपुर से अनुराग मुदगल, ब्यूरो चीफ दैनिक नवज्योति, राजाखेड़ा से वरिष्ठ पत्रकार बुद्ध सिंह उदैनिया, बाड़ी से प्रमोद मुदगल दैनिक नवज्योति एवं सरमथरा ब्लॉक से दिलीप सिंह परमार पत्रकार को नियुक्त किया गया। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को 7 दिन के अंदर अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का निर्देश दिया गया है। इसके उपरांत ब्लॉक वाइज कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। अवैध पशु ले जाने एवं विक्रय करने के आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में सदर थाना धौलपुर के थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में एवं DST टीम की संयुक्त कार्रवाई में हाईवे पर जिले में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नाकाबंदी की गई। इस दौरान लगभग 10 वाहनों में अवैध रूप से क्रूरता पूर्वक भरे गए 108 पशुओं को मुक्त कराया गया, जिनको ले जा रहे 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 10 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस कार्य में सहयोग करने वाले 18 अन्य व्यक्तियों को 151 के तहत पाबंद किया गया है। शिविर में अधिक से अधिक लोगों के कार्यों को संपादित करना हमारा लक्ष्य, EO राठौर, बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में गुरुवार को शहर के वार्ड संख्या 4, 5, 6 को गुमट प्राइमरी स्कूल में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें स्टेट ग्रांट एक्ट धारा 69A, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, विवाह पंजीकरण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, रोड कटिंग सहित कुल 48 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार एवं शिविर प्रभारी सुधीर त्यागी, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक अश्विनी कुमार पारसर, कनिष्ठ लिपिक सुनील यादव, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, सुमित तिवारी, तपेश विधूड़ी, शिवशंकर पचौरी सहित समस्त पालिका कर्मिक एवं नगर मित्र, अनेक पार्षदगण, अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से खाना शर्मा की रिपोर्ट। पिताजी की पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम प्रभुजियों को कराया भोजन, बाड़ी की प्रमुख खबर। स्वर्गीय केदारनाथ मित्तल की प्रथम पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम बाड़ी में उनके सुपुत्रों ने प्रभुजियों को आज भोजन कराया। प्रभुजियों को भोजन मित्तल परिवार ने अपने हाथों से इसने पूर्ण कराकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अपना घर आश्रम संस्थापक सुनील गर्ग, आश्रम अध्यक्षा कमलेश गर्ग, अपना घर शाखा अध्यक्ष विष्णु महेरे ने केदारनाथ मित्तल की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। कार्यक्रम के दौरान अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग, शशि गर्ग, दीपक सोनी, अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुल गर्ग, अपना घर आश्रम उपाध्यक्ष मनोज मोदी, राजकुमार गर्ग, पवन मित्तल, विमल मित्तल, सतीश मित्तल, सुनील मित्तल, सुनीता मित्तल, वंदना मित्तल, शिवानी मित्तल, सुलभ मित्तल, पारस गर्ग सहित आश्रम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी से काना शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।